दो मिनट के लिए मैं शांत हो जाता हूँ और आप यहाँ का जो नेचर है उसका एंजॉयमेंट लीजिए। क्या खूबसूरत एरिया में मैं बैठा हूँ, आप उसे देख लीजिए, उसके बाद फिर से आपसे मैं बातें करूँगा। देख रहा है दोस्तों, मुझे आज किस्मत एक छोटा सा प्लेस इन वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग के थोड़ा सा ही करीब में अराउंड 9 किलोमीटर्स फ्रॉम जोहर बंगला है गाइस, जो दार्जिलिंग का और गैंगटॉक का जो रास्ता मीट करता है वो जगह को जोहर बंगला कहते हैं। तो ये अराउंड 9 किलोमीटर्स फ्रॉम जोहर बंगला है और इस प्लेस को कहते हैं 6 माइल्स गाइस। एक छोटा सा विलेज है यहाँ पे, आप यहाँ का व्यूज देखिए, यहाँ का जो लोगों का सिंप्लिसिटी है। और मैं अभी एंटर करने वाला हूँ जो फर्स्ट हाउसेस है उसके पास में पहुँचने वाला हूँ, तो आपको चलिए वहाँ का व्यूज दिखाता हूँ फर्स्ट हाउसेस कैसा दिखता है, छोटे छोटे शॉप्स है, तो आप इन्जॉय करिए दोस्तों। यहाँ का जो व्यूज़ दिख रहा है, जो यहाँ पे लोगों का और कार्स आते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये नेशनल हाईवे में है पर बहुत कम है, सो नेचर का साउंड सुन सकते हम दोस्तों यहाँ पे। तो चलिए आप लोग इन्जॉय करिए जो व्यूज देख रहे हैं आप लोग। दोस्तों ऐसे तो फॉगी वेदर है और एक ड्रामेटिकल लुक्स दिख सकता है फॉगी वेदर की वजह से। जो व्यूज़ आता है फॉगी वेदर में और जो व्यूज़ आता है एक सनी डे में बहुत ही डिफरेंट रहता है और एक अपना ही एक ड्रामेटिकल मूड रहता है दोस्तों, जैसे मैं कह चुका हूँ। तो आज वैसा ही एक दिन है और यहाँ पे कोई भरोसा नहीं, कभी भी वेदर चेंज हो जाता है क्योंकि विंड फ्लो बहुत है और यहाँ का वेदर ऐसा ही है और बहुत डेंस फॉग लगता है दोस्तों। तो हम यहाँ एंट्री पॉइंट में आ चुके थे और छोटा सा आपने वहाँ पे वॉशिंग एरिया देख लिए, कुछ छोटे छोटे शॉप्स कुछ इस तरीके से है गाइस रास्ते के दोनों साइड में, और अराउंड 2 लाइन्स तक ही होगा दोस्तों जो घर वगैरह यहाँ पे। हम ऐसे ज़्यादा डिप्थ में तो नहीं जा सकेंगे। हाई एंड स्टॉप्स तो यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि एक स्मॉल टाउन विलेज बाजार जो भी कह सकते हैं दोस्तों, एक स्मॉल प्लेस है यहाँ पे और यहाँ के लोग जो भी ज़्यादातर शॉपिंग करने के लिए क्लोजेस्ट उनको जोहर बंगला पड़ेगा और बेस्ट उनको दार्जिलिंग पड़ता है, वो लोग वहाँ चले जाते हैं तो वहाँ से ही शॉपिंग करते हैं। कार को यहाँ पे मैंने पार्क कर रखा हूँ दोस्तों और थोड़ा सा हम लोग को तो रूल्स एंड रेगुलेशंस पता नहीं होगा कहाँ पे क्या है, कहाँ पे रखने का एरिया है, कहाँ पे नहीं रख सकते, तो दिल में एक टेंशन तो है पर अभी तो कुछ हुआ नहीं। और 1.5 आवर्स यहाँ पे हो चुका है हम लोग बैठे हुए एंड ये देखिए बैक साइड में गाइस, और अभी तो ऑलमोस्ट एंड भी आने वाला है, यहाँ का ख़त्म होने वाला है। ये जो छोटा सा मार्केट टाउन है बहुत छोटा सा ही था, मैंने आपको बताया, पर फुल ऑन कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं यहाँ पर भी एंड लाइफस्टाइल पीपल का, ये लोग सब एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से पहचानते हैं और जानते हैं, एक हैप्पी फैमिली की तरह पे ही रहते हैं, जैसे फैमिली होता है यहाँ पे।
आपके फैमिली में सब कुछ होता है, प्यार मोहब्बत तकरार, तो कुछ उसी तरीके से पूरा विलेज भी एक छोटा सा प्लेस है, तो सब एक दूसरे को पहचानते और साथ में प्यार के साथ ही रहते हैं। मैंने देखा लोग बाइक एक दूसरे को किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं, कोई ऐसे बाइक में जा रहा है ये हाय हेलो चल रहा है वहाँ पर। बैठे हुए सब लोग दोस्तों यहाँ पर टाइम पास भी क्या करते होंगे स्मॉल प्लेस। जो लोग आप लोग दिल्ली में रहते हैं वो लोग के पास बहुत सारा दिल्ली या कोई भी एक ऐसा मेट्रोपॉलिटन प्लेस में रहते हैं, उन लोग के पास में बहुत ज़्यादा प्लेसेस होता है, कभी कोई एक मॉल तो कभी कोई एक मॉल, कभी कोई एक जगह चले गए। तो पर जो ऐसे प्लेसेस में रहते वो लोग बस एक प्यार मोहब्बत से ही अपना दिन गुजारा करते हैं, एक दूसरे के साथ जो हंसी मजाक होता है उसी के साथ में उनका टाइम पास होता है, कुछ और जगह जाने का है ही नहीं दोस्तों यहाँ पर। तो बहुत वो लोग एक शांत प्रभाव के होते हैं और अच्छी तरह से मिलजुल कर बैठे रहते हैं। फिर से धूप लगने लग रही है दोस्तों यहाँ पर अभी थोड़ा सा, पर कुछ भी वेदर यहाँ पे परमानेंट नहीं है गाइस, यहाँ पर ऐसा ही एनवायरनमेंट चेंज होते रहता है, विंड ब्लो बहुत ही फास्ट है यहाँ पे। और एक छोटा सा विलेज है वहाँ का पीपल का लाइफस्टाइल आपने देखा कैसा घर है और कैसा एनवायरनमेंट है गाइस, तो आशा करता हूँ आप लोग को पसंद आया होगा। दो सेकंड शांत होकर आपको फिर से एनवायरनमेंट का एक याद दिलाने की कोशिश कर रहा था कि कितना शांत वातावरण है यहाँ पे और बर्ड्स का साउंड और वो सब। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है, और जो हमारे चैनल के साथ जुड़े नहीं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हमारा फैमिली मेम्बर इंक्रीज हो और मुझे मिलता रहे और भी ज़्यादा आप लोगों का प्यार और ऊपर वाले का प्यार। ओवर एंड